आज एक न्यू मतलब स्ट्रेटजी समझ लो, चाहे जो लॉजिकल तो नहीं बताऊंगा लेकिन अपने तरीके से जैसे मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, तो वो चीज़ें मैं फिर बताने वाला हूँ एक नया शेप के साथ, एक नया। अभी तक तो था काफ़ी वीडियो मैंने बताया उसमें क्या लगभग सेल वाला मिला, लेकिन बाई वाला कैसे मिलता है, बाई वाले मैं कौन सा शेप या कौन सा स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, तो वही चीज़ें बताने वाला वीडियो में, बने रहना पूरा वीडियो देखना, मस्त नॉलेज मिलने वाली है। बस ये मैं अपने तरीके से बताऊँगा, बाकी और लोगों की तरह मैं लॉजिकल तो नहीं बता पाता, बट जो चीज़ें हैं ये सब प्रैक्टिस करने से ही बनते हैं। और दूसरी बात ये है भाई, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो आप कोई प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे, ध्यान देना। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 माइक्रो यूज़ किया है और 3 माइक्रो यूज़ किया और मेरे पास बैलेंस देख रहे हो 2000 है। अब यहाँ पे लोग कितना बड़ा बड़ा लॉट लगा, लेकिन क्या मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और स्टॉप लॉस तो भाई लगाना ही लगाना, स्टीपी मत लगाओ बट स्टॉप लॉस 110% लगाओ भाई। और ये कोई फेक अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट है, देख सकते हो राइस स्प्रेड का। तो ये इसमें मैं ट्रेड ले, नेट स्लो हो जा रहा है भाई यहाँ पे नेट, तो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या है, अब टाइम भी देख सकते हो, आज लगभग 11 बजकर हो रहे हैं 12 मिनट, 11 बजकर 12 मिनट, और आज की तारीख है 9 अगस्त 2022, चल ही रहा है भाई, टाइम देख लो। अब मैं दिखाता हूँ इसमें, और आज का अगर ट्रेड देखोगे लगभग मैं लिमिट लगाया था, लिमिट क्लोज कर दिया। और दूसरी बात, एशियन मार्केट ही चल रहा है, रात से चालू था अभी तक, लेकिन 12:30 बजे कौन सी मार्केट ओपन होती है आप लोगों को नहीं पता, 12:30 बजे प्री लंदन ओपन होगा, प्री लंदन, और उसका लंदन मार्केट पूरी तरीके से 1:30 बजे ओपन होती है, प्री लंदन नहीं 12:30, लेकिन उसकी हलचल जो है 11 बजे मॉर्निंग से ही आना स्टार्ट हो जाती धीरे धीरे। तो हमारा ये कहने का मतलब, कभी भी कोई भी ट्रेड करो तो यार देखो वैल्यूम जरूर देखा करो, किसी न किसी वैल्यूम में, यानी कोई ना कोई सेशन चालू हो तो उस टाइम करो। और हमेशा अगर स्कैल्पिंग टाइप डे वाइज मैं ज़रा डे टाइप का, यानी स्कैल्पिंग टाइप ही समझो, तो डे टाइप का मैं ट्रेड करता हूँ, तो यानी कोशिश करो 10 से 15 पीपी मिल जाए बहुत है, और स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से लगाओ, समझ रहे हो, स्मॉल से स्मॉल। तो ये होता है ये सब मनी मैनेजमेंट भाई, ये सब अगर कर पाओगे ना तभी आप प्रॉफिट ले पाओगे, नहीं तो भाई कितना भी साल गुजार दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला भाई। अभी सिर्फ अपना बताऊँ, मैं खुद ही मनी मैनेजमेंट जहाँ फॉलो करना बंद करता हूँ मैं खुद लॉस कर जाता हूँ, आउट कर जाता हूँ। आपने देखा ही होगा मेरा लॉस या वगैरह जो भी होता है, मैं अकाउंट वीडियो डाल देता हूँ, ऐसा नहीं कि लॉस हुआ तो वीडियो नहीं डालना, प्रॉफिट हुआ तो वीडियो डालना, तो ये नहीं भाई। जो चीज़ है मुझे कोई किसी चीज़ की मार्केटिंग तो कर नहीं रहा हूँ, जो चीज़ भाई सिंपल है, लॉस मेरा हो रहा है लॉस दिखेगा, चाहे मेरा ग्रुप देखोगे चाहे प्रॉफिट होगा प्रॉफिट दिखेगा भाई, रियल चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट है भाई, जिसको मेरे ग्रुप में रहना रहेगा, जिसने क्योंकि मैं साफ साफ चीज़ें दिखाता हूँ भाई। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, अब देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, जैसे डे टाइप के हिसाब से, कभी डे टाइप करो इससे मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं, मैं क्या करता हूँ लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही। तो अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब ट्रेड करना होता है तो मतलब जैसे कोई भी चार्ट, जैसे मैं GBP USD देख लो, मैंने चार्ट ओपन किया है, GBP USD का टाइम फ्रेम 30 मिनट अभी तो है फिलहाल, लेकिन सबसे पहले मैं डे 1 ऐसे कर लेता हूँ, डे 1 का ओपन करूँगा चार्ट, डे 1 का ओपन कर लिया, नेट बड़ा स्लो है ना, देख रहा हूँ नेट इतना स्लो है, ये अभी बफरिंग कर रहा है, पूरी तरीके से चार्ट ओपन हो जाए फ्रेंड, और फ्रेंड पूरी तरीके से ये ओपन हो गया चार्ट। अब डे 1 का देखो कैंडल अभी एकदम फ्लिप टाइप का हो रही है, ग्रीन बन रही थी लेकिन अब फ्लिप। अब सबसे पहले मैं इसमें ड्रा कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके जो डे का हाई है, आज की डे की बात कर रहा हूँ, आज का जो डे हाई बनाया है उस पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, और ये चीज़ें मैं करता हूँ, बाकी कोई मैं वो सब लगाता नहीं इंडिकेटर वंडिकेटर, एक लो पे कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपल सा स्मॉल टाइम फ्रेम 15 मिनट में चला जाऊँगा, या फिर मैं चला जाऊँगा 30 मिनट में, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे दिखाने क्या वाला हूँ, एक एंट्री मैंने क्यों लिया जानते हो, अब मेरा मेन मकसद एंट्री, पहले तो सच बताऊँ सही रूल आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं एंट्री ले लेता हूँ थोड़ा रिस्की टाइप का हूँ तो अलग बात है, बाकी सच बताऊं तो ये जो आज का हाई है, जैसे लेवल मैंने वो किया है आजकल, ये हाई अगर हाई ब्रेक करता तब तो हम सोच सकते हैं बाई के ऊपर, और नीचे अगर लो, ये नीचे देखो ये ब्रेक करता है तो इसके बाद नीचे की अपॉर्चुनिटी हम सोच सकते हैं लेने के लिए, समझ रहे हो। डेली का लो 10 से 15 पीपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी मत, एंट्री पॉइंट लगा के भले एक्सपेक्ट करो, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे मैं, लेकिन मैं बाइक के लिए सोच रहा हूँ, अब क्यों सोच रहा हूँ उसका रीज़न बताऊँ फ्रेंड, अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं बाइक क्यों, किस एंगल से भाई लेना चाह रहा,
पहले नंबर मैं एक सेप बताता हूँ, ये आधा घंटा का टाइम फ्रेम है और मेरा सेप एक है जो मेरा मन बढ़िया सेप है, मेरा माइंड बताता है भाई जो भी, ये सब प्रैक्टिस करने से अंदाज़ा हो जाता है भाई। अब देख रहा हूँ और ये मोबाइल ही में कर रहा हूँ, कोई लैपटॉप पीसी वाला खेल नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक डब्लू टाइप का ऐसे ऐसे देखो डब्लू बन रहा है, इस हिसाब से इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हो। ये देखो यहाँ मार्केट आई, फिर यहाँ आई, यहाँ आई, फिर यहाँ, देख रहे हो बन रहा है। तो ये डब्लू टाइप का एक नीचे एक हिसाब से डबल बॉटम भी लोग बोलते हैं। तो नीचे अगर ब्रेक किया तो भाई नीचे जाएगा, बट नीचे जाए इसीलिए मैंने क्या किया, हमेशा स्मॉल लॉट यूज़ किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे मैंने क्या किया है, स्टॉप लॉस रख दिया देखो यहाँ पे। और स्टॉप लॉस कितने का है, एक मिनट स्टॉप लॉस देख के बताते हैं भाई कितने का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 17 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो देखा जाए 17 पिप का स्टॉप लॉस है और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैटर क्या है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न बन रहा है। बाई मैन लिया हूँ, अभी एक रिस्की अकाउंट में भी लूँगा बड़ा लॉट, ये तो मैं मतलब थोड़ा बड़ा अकाउंट है तो इस पर मैं मनी मैनेजमेंट के साथ चलता हूँ। बाकी रिस्क वाला लेना है तो आपको पता ही, मैं इंटरनल अलग ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ट्रांसफ़र किया हूँ वापस सामने लूँगा बड़ा प्रॉफिट। तो यहाँ पे रीज़न है डब्लू भाई, बन क्या रहा है डब्लू, ये देखो ये गया, ये गया, ये गया। अब लेकिन ये देखो लेबल है ना, सच बताएं ये लेबल है कि इसको ब्रेक सही से करेगा, ये करेगा तो जाके इसके ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, वैल्यूम होना चाहिए लंदन का या न्यूयॉर्क का। अब लंदन का आपको पता है 12:30 बजे प्री लंदन ओपन होगा और 1:30 बजे लंदन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वैल्यूम 11 बजे से आने लगता है, वो ज़रूरी नहीं एकदम फिक्स टाइम ही पे आता है। तो लेकिन ये ओपनिंग टाइम देखिए, और आप और ज़्यादा वैल्यूम, सबसे अच्छा वैल्यूम देखता है न्यूयॉर्क मिलता है, और कभी कभी न्यूज़ रहती है तो भाई अलग ही वैल्यूम आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, न्यूयॉर्क ओपन होता है लगभग 5:30 बजे प्री न्यूयॉर्क और 6:30 बजे न्यूयॉर्क ओपन हो जाता है, तो 4 बजे के टाइम उस टाइम बैठ सकते हो। तो लेकिन अभी मैं लंदन के हिसाब से मैं बैठा हूँ कि लंदन में शायद मेरा ट्रेड क्लियर हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, मैं जो सेटअप सोच रहा हूँ वो क्लियर हो जाए, देखते हैं। वैल्यूम के टाइम बार बताऊँ, सुबह टाइम ऐसे नहीं कि उठे बस लगा दिए, ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि वैल्यूम होगा नहीं आपका स्टॉप लॉस ही हंट करेगा भाई। मेन क्या है, वैल्यूम, अगर वैल्यूम रहेगा भाई तो स्टॉप लॉस आपके ज़्यादा टच नहीं होंगे। जो बार बार लोग बताए मेरा एसएल खा जाता है, तो वो है वैल्यूम, वैल्यूम कभी ध्यान ही नहीं देते, बस आप तो क्या ट्रेड मार दिए कहीं पे किसी भी टाइम, तो ऐसे थोड़े होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये चीज़ें अगर सही लॉजिकल जो है ये यहाँ पे ब्रेक करेगा ना तो ज़्यादा ऊपर होने के चांस है। बट क्या, मैं बोलता नहीं थोड़ा यार पेशेंस रखना जरूरी है ट्रेडिंग, बट मैं थोड़ा रखता नहीं हूँ, तो मैं पहले ही ट्रेड ले लिया हूँ। बट यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि मेरी पॉसिबिलिटी जो होती है मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ। ये देखो डब्ल्यू बना है। अब ये ब्रेक करके ज़्यादातर ऊपर चांस है, और ये अगर ब्रेक कर गया ना तो बहुत ज़्यादा, देखो इधर लेफ्ट साइड एकदम क्लीन, देखो यहाँ मार्केट कितना क्लीन है, तो ईज़िली ऊपर जा सकती है, मस्त यहाँ तक जा सकती है अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईज़िली। यहाँ देखें कितने पिप का हम सोच रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ से मतलब मार्केट ब्रेक होती है तो ईज़िली यहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, यानी 27-28 पिप आपका कहीं नहीं गया, समझ रहे हो, 27-28 पिप। बट लेकिन इसका 50% ही जाता है तो मैं क्लोज कर, बट इतना एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, बट हाफ लॉट क्लोज के एंट्री पॉइंट मूव कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो यानी 27-30 पिप ईज़िली हम मूव पा सकते हैं GBP USD में। तो ये मेरा वो है टारगेट आज का। अब क्यों ये मतलब ट्रेड ले रहा हूँ, कई बार यार रिपीट हो जाता है उसके लिए भाई सॉरी, पता नहीं क्यों यार मैं बार बार बातें रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि लिख उख के तो करता नहीं हूँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये डब्लू बना है, लेकिन डब्लू पैटर्न ये नहीं कि सिंगल में टाइम फ्रेम है। अब मुझसे बोल रहे हो टाइम फ्रेम यार कौन सा है, तो यहाँ पे देखो 5 मिनट में भी मैंने देखा, 5 मिनट में भी बना है डब्लू फ्रेम, मतलब डब्लू ये समझ। अगर नीचे आके ये जो डबल बॉटम टाइप का बन रहा है ये अगर ब्रेक किया तो भाई नीचे मार्केट कुछ भी कर सकती है भाई। तो ये अदरवाइज यहाँ से ऐसे मूव हुआ तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 27-20+ पिप जाना ही चाहिए, समझ रहे हो। इसमें भी बना है और मैं 1 मिनट में अगर देखता हूँ, 1 मिनट में तो टाइम फ्रेम ही नहीं आ रहा, तो 1 मिनट का क्या नहीं, तो 5-15 मिनट का मैंने दिखाया, सॉरी 5 मिनट में भी है और ये 15 मिनट में भी देख सकते हो। लगभग फ्रेम जो है ये डब्लू टाइप का है, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम में होना चाहिए ये हमेशा ध्यान देना, और वॉल्यूम के टाइम को ओपन हो जाए। और 30 मिनट में भी देखते हैं तो ये छोटा सा वैल्यूम क्रिएट हो गया,
ये देख रहे हो, ये हो गया। और एक चीज़ देखोगे, देखो कैसे ये यहाँ हायर लोअर लो लोअर लो, एक लोअर ट्रेंड टाइप को बनाया, फिर लेकिन दोबारा गया, फिर ये यहाँ पे अपने लो को नहीं तोड़ा, तो ये भी एक मतलब बढ़िया मतलब वो चांस है, तो भी एक मिल गया। तो मतलब अपने प्रीवियस लो को फिर तोड़ा नहीं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने का चांस है। इससे भी मतलब एक कन्फर्मेशन है, मल्टीपल कन्फर्मेशन होना भी ज़रूरी है। और बाकी इस तरह भाई पैटर्न जब मुझे मिलता तो भाई मज़ा ही आ जाता, ख़तरनाक होता है। तो देख लो, और एक घंटे में अगर देखते हैं तो डब्लू टाइप के, एक घंटे में भी हमको डब्लू मिल ही रहा है भाई साहब। आप समझ पाओगे नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो डब्लू टाइप को बना है, तो हर तरफ से मतलब मुझे मिल गया, तीन चार टाइम फ्रेम में मिल गया ना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो वर्क करता है भाई, मैंने अभी तक जो किए। और लेकिन ये है, देख लो मैंने कैसे स्टॉप लॉस लगाए, हर चीज़ें मैंने लगाई हैं, देख रहे हो। और प्रॉफिट में चल भी रहा है लगभग, कितना सेंट में कितना पिप चल रहा है, लगभग 0.2 से 3 पिप चल रहा है, समझ रहे हो। अब चलो हम अपने रिस्की अकाउंट में जाते हैं, वहाँ थोड़ा बड़ा ट्रेड लेंगे, वैसे भी अकाउंट तो बड़ा हो गया, अब रिस्की अकाउंट में मैं ट्रेड लेके छोड़ दूंगा बिना स्टॉप लॉस के। बाकी इस तरह जो एक्चुअल रियल ट्रेडिंग है, इसलिए मैं ये दिखा दूँ कि मैं इसी तरह ट्रेड करता हूँ रियल, तो इसमें ग्रोथ होती है। अब इसमें से जब थोड़ा प्रॉफिट हमें हो जाता है, जैसे कि मेरा इस वीक हुआ भी था, मतलब कितना हुआ था, सॉरी हाँ $144 के आसपास तो हुआ था, तो $50 मैंने बेच के कल ही जो वीडियो में बनाया था अभी मंडे को, अरे मतलब 8 अगस्त को बनाया था, तो दिखाई फ्रेंड जैसे कि ये देख सकते हो रियल अकाउंट है, इसमें रिस्की वाला है, इसमें मैं रिस्क वाला लेता हूँ। तो अब क्या है, $50 कमाए थे, अभी कल ही वीडियो बनाया था, ये देखो $81 प्रॉफिट किया था। तो लेकिन ये क्या है, मैंने विड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे $81 विड्रॉ कर लिया हूँ, समझ रहे हो, विड्रॉ कर लिया हूँ, $50 छोड़ा हूँ, क्योंकि रिस्क सिर्फ $85 पे लेता हूँ अब। लेकिन अब क्या है, अब जो मेरा क्योंकि मेरा फेवरेट जब पैटर्न होता है, तो वहाँ पर रिस्की अकाउंट एक मैं ओपन करके, अब रिस्की मतलब ये नहीं कि अपना एक ही अकाउंट है भाई उसी पर रिस्क ले लिया अकाउंट, भाई देख रहे हो मैंने इसीलिए अकाउंट दिखाया, मेरे पास एक बैकअप है, उस पर मैं सही से बाकायदा डिसिप्लिन के साथ ही करता हूँ, उसमें बड़े लॉट नहीं, उसमें सोच लो $2000 है तो भी मैं 3 माइक्रो मार रहा हूँ ट्रेड, सोच सकते हो $2000 के बाद। और लेकिन इसमें $50 रख के मैं कितना बड़े लॉट, तो जस्ट ये गैम्बलिंग होता है। बट लेकिन वो भी ट्राई करना चाहिए मेरा कहने मतलब, लेकिन वही अलग अकाउंट में आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, वो भी अलग अकाउंट में, तब जब आपको प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट से। अब देख लो मैंने $50 डिपॉजिट किया था, बल्कि $130 प्रॉफिट यानी $81 निकाल लिया, अब ये जो मेरा $50 है ये भी प्रॉफिट में है, मतलब पहले भी तो वो तो प्रॉफिट में था, ये भी प्रॉफिट, अब इसमें मैं रिस्क लूँगा बिना स्टॉप लॉस के, अब चाहे मेरा अकाउंट डूब जाए तो भी मुझे गम नहीं, क्योंकि एज ए प्रॉफिट से मैं कर रहा हूँ ना ट्रेड, प्रॉफिट से ही करो ट्रेड, कभी भी रिस्की करना है। तो अब यहाँ पे भैया उसमें जाता हूँ मैं आज, जी बी पी यू एस डी में करूँगा, देखता हूँ क्या करता है, मेरे को बर्बाद करता है या भाई मस्त। और यहाँ पे भाई वो ड्रा थोड़ा सा कर लूँगा भाई, यहाँ पे डे का हाई और लो, क्योंकि वो ब्रेक करेगा ना तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बहुत अच्छा जैसे डे का हाई कर लूँ, ड्रा कर लूँ लाइन यहाँ पे बस यही करता हूँ। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे भाई मूविंग एवरेज के बता देते, मूविंग एवरेज वैसे लगा है, मैं उसका यूज नहीं करता, आपके सामने एक मिनट डिलीट ही कर दे रहा हूँ उसको, ये देखो अब यहाँ पे डे का हाई भी ब्रेक करने वाला, तो इजीली 10 से 15 पे मिलने के चांस ही हैं, तो ब्रेक हो जाए बट मैं ट्रेड पहले ही ले लूँगा हमारे फ्रेंड। यहाँ पे ट्रेड जो है थोड़ा वैसे मुझे वेट करना चाहिए, रिटेस्ट कर सकते हैं नीचे बट, लेकिन मैं भाई यहाँ पे $50 के हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं छोटे अमाउंट कर लूँगा, समझ रहे हो, थोड़ा उस मतलब छोटे लॉट का, मैंने अभी तक 25 कमा रहा था नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस में, लेकिन अब मैं मारूंगा यहाँ पे सिर्फ 10 का सोच रहा हूँ बट हाँ 10 का मारूंगा यहाँ पे, 10 का मैं बाई मार दे रहा हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लगेगा नहीं भाई, क्योंकि पहले ही बता दिया भाई मेरा ये। और यहाँ पे टीपी वाले लगा दूंगा, टीपी जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.2 देख रहे हो, ये मैंने लगा दिया, अब ये छोड़ दिया हूँ, अब इसमें स्टॉप लॉस भाई कुछ भी नहीं लगना, 10 माइक्रो लगा है, सोच लो 10 माइक्रो $50 के अकाउंट में लगा, आप सोच सकते हो कितना हाई रिस्की है, 10 माइक्रो 25 माइक्रो इससे बड़े लगाता हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा अगर वो होता है रिटेस्ट उठे तो थोड़ा छोटा लॉट लगा देता हूँ, क्योंकि मैं लॉस करना नहीं चाहता, भले रिस्की अकाउंट हो, कोशिश ये करता हूँ कि वो प्रॉफिट हो। अब ये नहीं कि रिस्की अकाउंट बनाया हूँ तो उसमें भाई लॉस ही करूँ, देखते हैं, कोशिश यही ट्राई करता हूँ कि भाई प्रॉफिट ही हो, बट देखते हैं। अब इसका भाई वेट करेंगे थोड़ा, वीडियो यहाँ पाउज कर देंगे, अकाउंट देख लो आज $81 विड्रॉ क्यों, $50 बचा है, $50 अभी तो माइनस में चल रहा है, और ये मेरा अकाउंट बार बार देख लो, ये रियल अकाउंट है। तो
और टाइम अभी 11:27 होना है। अब देखते हैं कितना देर में मेरा थोड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि भाई जब तक 10 माइक्रो लगा तब तक $10 प्लस प्रॉफिट में चलेगा नहीं, जब तक मैं क्लोज करने वाला नहीं हूँ ट्रेड भाई, एकदम रियलिटी है। और अगर माइनस में गया तो एक ट्रेड और लूँगा माइक्रो 10 का। फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे लगभग जो है 11:55 हो रहे हैं, यानी जो लंदन सेशन है ओपन भी हो गया। और देख रहे हो कितना क्लीन, मैंने बताया नहीं था, अगर ये लेफ्ट साइड देखो क्लियर होता है ये मामला, हमें लेफ्ट साइड आपके ज़्यादा क्लियर टाइप का मामला होता है, तो ये चीज़ें बहुत क्लियर मतलब आपका निकलता है। और दूसरी बात यहाँ पे जो डे का हाई था वो भी ब्रेक किया, और मैंने जो बताया डे का और डे का लो एक बार देखो, ऐसा नहीं मेरा माइनस जो गया था लगभग अभी जो एक मेन आईडी में जिसमें लगा था उसमें क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा, एक दूसरा ट्रेड मैंने लिया वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो फेक आउट भी दिया है यहाँ पे, तो ये चीज़ आता है लोगों के क्या पैसे भर भर के बटोरता है। यहाँ पे नीचे देखो कितना, जब मैंने लगाई थी एंट्री यहीं पे ले ली थी, लेकिन गिचिर गिचिर करके इतना नीचे आया, खूब लोगों के पैसे जितने भर भर के स्टॉप लॉस लगाए, सबके पैसे खूब जानबूझ के बटोरता है, आपकी साइकोलॉजी को जानबूझ के इतना वो करता है कि मतलब साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाए, यहाँ पे निकल जाओ भाग जाओ, या मतलब साइकोलॉजी गड़बड़ा जाए उल्टा सीधा लॉट मार दो। देखो इजीली टीपी हिट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये तो क्लियर शॉट थे, एक बार ये टीपी हिट हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं, एकदम हिट होने वाले चांस है। वैसे कहो तो क्लोज कर दूँ, ये हो जाए यार हिट, लाइव ही हिट हो जाए भाई। देख रहे हो आईडी कोई दूसरी में नहीं दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। वैसे टीपी हिट तक मैं पता नहीं क्यों यार वेट ही नहीं कर पाता हूँ, क्लोज ही कर दें, चलो क्लोज ही कर दें। यहाँ पे तो थोड़ा घिचिर घिचिर कर रहा है, और थोड़ा यहाँ काफ़ी मतलब रेजिस्टेंट टाइप के छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली क्लोज कर दे रहा हूँ आपके सामने। बट मैंने आपको रीज़न बता दिया, देखो इतना प्रॉफिट आज का हो गया, और वैसे भी कैसे डाला उस दिन प्रॉफिट। अब दूसरी आईडी मैं दिखा दे रहा हूँ जिसमें मैंने लगाया, वहाँ भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये वाली आईडी एक मिनट आप देख भी लो, ये देखो ये आईडी यही है, ये नहीं कि दूसरी, और इसको मैं अभी सही से फिर एक्सप्लेन करता हूँ एक बार वो आईडी आपको। हाँ फ्रेंड ये देखो, ये इसमें दूसरा लेकिन ट्रेड लिया, पहला वाला स्टॉप लॉस हंट मेरा कर गया, खा गया। अब इसको भी मैं मैन्युअली क्लोज कर दे रहा हूँ, मुझे क्योंकि मतलब साइकोलॉजी का आपको पता भी चल जाता है, इसलिए मैंने छोटे लॉट लिए, नहीं तो मैं 10 माइक्रो मारता हूँ या 5, लेकिन जब लगता है कुछ ज़्यादा इसमें रीटेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैं क्या साइकोलॉजी वो वहाँ पे अपना जितना रिस्क लेना है उससे डिवाइड कर देता हूँ, मतलब कम कर देता हूँ, यहाँ 5 लेना है तो 3 लूँगा ऐसे कर। अब देखो ये एक एसएल गया, बाकी दूसरा वो कर लिया, दूसरा देखो मेरा एसएल स्टॉप लॉस रिकवर कर प्लस प्रॉफिट। अगर यहीं पर मैं पहले में ही बड़ा लॉट मार देता, फुल लॉट मारता, होता क्या मेरा ओवरऑल लॉस हो जाता। तो इसी को कहते हैं मनी मैनेजमेंट फॉलो करना, यानी अगर चलो 2-4 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, अगर मनी मैनेजमेंट साथ चलो तुम ओवर, ऐसा तो इतने भी गिरे गए गुजरे होने कि तुम जितने ट्रेड ले रहे हो सारे लॉस ही जाएंगे, लॉस ही, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो भाई ट्रेडिंग करना छोड़ दो आप, मैं तो यही बोलूँगा, मनी मैनेज फॉलो। अब चलो उस पर हम समझाते हैं, उस पर क्या इसी पर हम जो आपको समझा दें। तो अब यहाँ पे जो था GBP/USD देखो कितना क्लियर शॉर्ट गया, देख रहे हो अभी और जाएगा। देखो अगर देखा जाए मेरा टीपी भी हिट ही हो गया, लगभग उसके पास ही आ गया इजिली, देख रहे हो 2 घंटे में, यानी लंदन सेशन। अब रीज़न क्यों हुआ देखो, हमेशा अगर ध्यान दोगे तुम वैल्यूम का, फर्स्ट तुम्हारी प्रियोरिटी होनी चाहिए ट्रेडिंग करना, तो कोशिश करो आगे वैल्यूम आने वाला है। मतलब जैसे कि मैंने देखो 11 बजे ट्रेड लिया था, बट इसलिए नहीं लिया था बस ले लूँ वैल्यूम आया ना, वैल्यूम कब आता है जब कोई मार्केट ओपन होती, कोई सेशन ओपन होता है, यानी जैसे अपने इंडिया का मार्केट ओपन होता है भाई 9 बजे। वैसे फॉरेक्स मार्केट करते हो इसमें अलग अलग पूरी वर्ल्ड वाइड कंट्री होती है ना, एशियन मार्केट रात को 3-1 बजे ऐसे समथिंग 3-4 बजे ओपन हो जाता है, ऐसे टाइम कम जगह देख लेना, कंफर्म नहीं है एशियन पे क्योंकि मैं करता नहीं रात को, कौन अपना टाइम बर्बाद करे, उतना ज़्यादा वैल्यूम नहीं होता। हमको सबसे बेस्ट सही लंदन का मार्केट ओपन होता है और फिर न्यूयॉर्क का, ये 2 बेस्ट लगता है, तो इसमें 2 के मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, इसीलिए 2 ट्रेड और मैक्सिमम 1-2 ट्रेड लो भाई। अब देख लो अभी इतना प्रॉफिट आ गया मेरा, मान लो इधर $2 आ गया, उसमें भी $17-18 आ ही गए, वो आईडी ओपन कर लेता हूँ मैं। फ्रेंड देख लो इसमें भी $17 आ ही गए प्रॉफिट, और यहाँ पे देख रहे हो कितना अच्छा मतलब वो होता है, तो गोल्ड है सॉरी फ्रेंड, गोल्ड भी अच्छा खासा ब्रेक किया ऊपर गया। गोल्ड का भी मैं एक ट्रेड लिया था, एक आईडी में उसको भी दिखा दूँ आपको। फ्रेंड ये देखो गोल्ड भी लिया था, गोल्ड भी इधर टीपी हिट हो गया, तो 40 पिप का एसएल रहता है, इसमें 1.1 रिस्क रिवार्ड रहता है मेरा, टीपी इधर हिट हो गया। तो देख लो मनी मैंने कितना फॉलो, ये नहीं कि उल्टा सीधा लॉट मारा, सिर्फ बड़े लॉट में मारता हूँ आपको बता रहा हूँ बार बार। अगर मुझे जैसे ये सब बड़े मेरे जो बड़े अकाउंट में जब प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट प्रॉफिट में शेयर उसमें अदर अकाउंट में ट्रांसफर करें, तो मैं उस पर मैं उल्टे सीधे मारता हूँ अपना, मतलब गैम्बलिंग वाला करता हूँ, सब एक हिसाब से गैम्बलिंग ट्रेडिंग होती है उसमें। तुम जो भी नहीं सक्सेस हो जाओ ये हो जाओ, अगर बड़े लॉट मेरी तरह मार रहे उसमें बस एज वैसे ही मारता हूँ, क्योंकि कोशिश लेकिन उसमें भी करता हूँ प्रॉफिट हो जाए, तो प्रॉफिट हो भी जाता है, इतना लॉस नहीं होता। अगर लॉस होता होता तो क्यों करता मैं यहाँ पे।
तो अब देख लो यहाँ पे आज भी हिसाब से 17 डॉलर, यानी प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट 17 डॉलर निकाल लिया, कम थोड़े यानी समझो कि आप 50 यानी 30-40% ग्रोथ हो गई अकाउंट की। फिर तो ईज़िली देखो ये अगर GBPUSD मैंने ट्रेड किया था कहाँ गया, अब देखो ईज़िली देखो सेकेंड कैंडल भी हायर हाई, अब देखो और ऊपर ये जाएगा, और ये देखो मेरा TP मैं थोड़ा वेट नहीं कर पाया, तो देख रहे हो यहाँ पे देखो अपने हाई को ये यहाँ पे क्लोज हुई थर्टी मिनट की कैंडल मतलब क्लोज हुई, उसके बाद फिर उसने हायर हाई से ऊपर नेक्स्ट कैंडल शुरू हो रही है, यानी हिसाब से ऊपर ही जाने का चांस है। अगर नीचे आके लेवल ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर नीचे सो सकते हैं, अदरवाइज देखो TP हिट हो गया, बट मैं वेट नहीं किया, पहले ही क्लोज कर दिया क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंट बना रहा था, स्मॉल बहुत छोटा रेजिस्टेंट था टाइम फ्रेम में अगर जाओ तो। इसी तरह आपने ध्यान दिया मैंने क्या किया था, देखो वैल्यूम अगर रहेगा तो आपका ये हमेशा जब ट्रेड लेना चाहो, एग्जांपल तुम कभी भी ट्रेड लेना चाह रहे हो, जैसे कि मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये तो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे, मतलब जितने लोग पैसे खचर खचर स्टॉप लॉस ले ले के पैसा खूब बटोरता, मार्केट क्या करती पहले लोग पैसे लेती है कितना ले ले फिर एक फेवर में ब्रेकआउट करके निकल जाती है, झूठ मूठ का जैसे माहौल बना है ऊपर को ऊपर ही जाएगा, मगर आपको इतना कंफ्यूज कर देगा ना, लेकिन आपके अंदर अगर पेशेंस है और एकदम अपने एनालाइज पे वो है कमांड है कि भाई हाँ जाएगा ही जाएगा और स्टॉप लॉस लगाए मनी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो उन्हीं लोग की दिक्कत होती है जो यहाँ पे खूब बड़े लॉट मार देंगे और उल्टे सीधे उनको यकीन भी नहीं होगा अपने एनालाइज पे, मतलब उनके सबकॉन्शियस में यकीन नहीं होगा। अब भाई सबकॉन्शियस पे आपका ट्रस्ट कब बढ़ेगा, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा भाई करोगे, दिन रात आप चार्ट देखोगे, भले हमारा वीडियो ना देखो, चाहे जितने लोगों का वीडियो देख लो, चाहे जो स्ट्रेटेजी कर लो, भाई एक बात सच्चाई बताने भाई, आप सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे नहीं। जब आप सेल्फ खूब चार्ट देखने लोगों, बस आपको नॉलेज भी नहीं होगा लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, रिकॉर्ड होता रहता है वो सेम वो चीज़ें, तो होता क्या है आपका माइंड भले बता देगा, जैसे अब यहाँ पे होता क्या मेरा माइंड बता दे, भले मैं वो चीज़ें आपको समझा नहीं पा रहा हूँ लेकिन मेरा माइंड बता देता है यहाँ पे ऐसा होने वाला, तो उस बेस पे और मैं क्या करता हूँ एक अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, बस क्या ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है, ये चीज़ें होती है। अब देखो ईजिली देखो ऊपर जा रहा, अब देखो ये तो कंसोलिडेट जोन था, इसको देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब ब्रेक किया फ्रेंड एक मिनट, यहाँ पे जब ब्रेक किया डे के हाई को ब्रेक किया, प्लस इधर देखो एकदम इधर देख रहे हो साइड में, इसके लेफ्ट साइड में एकदम क्लीन है मार्केट, तो इसी वजह से इतना क्लीन जाता है, इस वजह से क्या ड्रा डाउन ज़्यादा नहीं जाता। अगर यहाँ पे जिन लोगों ने इसका इंतजार करते हैं पैसे का वो ब्रेकआउट ही पे लेते हैं, और जैसे मैं थोड़ा पहले ले लिया तो मेरा ड्रा डाउन गया था, देखे ही होंगे वीडियो में, तो ये सब चीज़ें होती। बार बार मैं समझाने चाह रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड लो कोशिश करो उसके लेफ्ट साइड में ज़्यादा गिचिर पिचिर ना हो, ऐसे क्लियर टाइप का हो सामने वैसे पाई, तो बहुत अच्छा स्मूथली ट्रेड होगा, और नहीं तो वही घिचिर पिचिर होगा तो वही होगा, पता चलेगा घिच्चे से आएगा वहाँ से फिर नीचे आएगा, गच्चे से आपका स्टॉप लॉस लेगा, गच्चे से ऊपर जाएगा, तो ये चीज़ें हैं भाई। तो ये सब चीज़ें आप, अब ये नहीं कि मेरा देख के तुम भी ऐसे तुरंत ही करने लगे तो प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट नहीं होगा, खूब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तो आप ये चीज़ें पकड़ने लगोगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई। चाहे जितना आप वीडियो देख लो कुछ भी देख लो, मैं भी घोल के नहीं पिला, कोई घोल के नहीं पिला सकता, मैं किसी वीडियो को नहीं बोल रहा हूँ वो ख़राब या वो अच्छा बता, भाई कुछ भी नहीं मैटर है भाई, जितना वीडियो देख लो, प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो उसका डेमो प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करने के बाद भाई डेमो कर लोगे प्रॉफिट भी होने लगेगा, एक्चुअल जो इम्तिहान का टाइम होता है भाई, जब पेपर दोगे तभी पास होगे, पढ़ाई कितना भी कर लो तो उस टाइम जो आपको याद रहता है वो चीज़ें मैटर। तो इसलिए क्या जब रियल पे आता तो साइकोलॉजी आपकी चेंज हो जाती है, इसलिए मेनटेन आपकी साइकोलॉजी मेनटेन भाई रियल पे होगी। अब भाई रियल पे होगी, अब कितना पैसा लगा कि लॉस करो क्या करो, रियल पे तो करना होगा तभी साइकोलॉजी मतलब वर्क करती है, साइकोलॉजी जो सही मेंटेन होगी वो रियल पे होगी, डेमो बनेंगे डेमो, लेकिन प्रैक्टिस डेमो पे करना है, फिर रियल के लिए आप नॉन डिपॉजिट ऑफर अप्लाई करें, और रियल के लिए या तो फिर रियल पैसे लगाना सेंड अकाउंट लगाएं, सेंड अकाउंट जब बड़ा हो जाए तो डॉलर में करना, डॉलर में करना, तो ऐसे भाई ट्रेड कर सकते हो, समझ रहे हो फ्रेंड। बाकी यार मेरा वीडियो इतनी मेहनत से मैं अपने जितने चीज़ें जितने सीक्रेट हैं मैं सब रिवील करना चाहूँगा, क्योंकि लोग काफ़ी लोग के कमेंट आते भाई तू बताता नहीं, तो मैं क्यों नहीं बताता था, उसका रीज़न ये था मैं लोगों को मतलब उस तरह लॉजिकली समझा नहीं पाता। अब देखो ऐसे, लेकिन मैंने सोचा यार जैसे मैं खुद समझता हूँ वैसे ही बता दूँ, इससे अच्छा मैं लॉजिकली नहीं समझा पाता उस तरह की, ये ऐसा ABC पैटर्न यहाँ ड्रा हो रहा है, यहाँ वो ड्रा हो रहा है, यहाँ ये, तो उस तरह मैं नहीं समझा पाता क्योंकि उस तरह टीचर की तरह, तो लेकिन मेरा जो तरीका है तो मैंने सोचा क्यों ना इसी तरह मैं बताऊं, और लोगों को काफ़ी लोग कमेंट भी प्यारे आ रहे हैं मोटिवेशनल टाइप के, मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, तो चलो मैं ऐसे ही बताने कोशिश करूंगा, जो भी और मेरा सीक्रेट होगा धीरे धीरे सारे रिवील करूंगा। तो ये आज मेरा थर्ड वीडियो है, तो बाकी फ्रेंड इसमें क्या है, अब ये भी नहीं कि आप दिन भर ये चीज़ें ढूंढते रहो, बस दो बार मैं कहूँगा दो ट्रेड से ज़्यादा भाई ढूंढो मत, अच्छी एंट्री सोचो तो एक से दो ट्रेड, अगर नहीं मिल रहा भाई निकल जाओ, ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वही चीज़ है ना भाई, हमें तो भाई चुल मची है पैसे डुबोने की,
जो चुल मची है बस घुसड़ जाएँ, पैसे लॉस हो जाएगा संतोष है, लेकिन साला बेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं रख पाते, मनी मैनेजमेंट फालो, पैसे डुबो लेंगे बड़े लॉट मार के, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई पैसे मेरे पड़े रहें। हम कह रहे हैं अगर स्मॉल लॉट यूज़ कर रहे हो और मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो भाई आपको पैसा कम से कम डूबे वाश आउट तो नहीं होगा, लेकिन नहीं भाई आप तो भाई बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे, वाश आउट करोगे ही करोगे। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो, मुझसे उससे मोटिवेशनल मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करो जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।